हैं चिकन और इधर हमने रखे हैं वाइट राइस और इधर हमारा सैलेड। इसके अंदर मिलेगा फाइबर जो वर्कआउट के अंदर देगी बहुत अच्छी एनर्जी, बढ़िया हमारी गेनिंग में हेल्प करेगी। और ये अगर आपने डाइट अगर अच्छे से फॉलो कर ली ना, 4 से 5 किलो वेट गेन हो जाएगा 2 से 2.5 महीने के अंदर। हेलो गाइस, कैसे हो यार? आप सब अच्छे ही हो गए। जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है मेरे भाइयों के लिए। ये देखो जी, गुरुजी ने भेज दिया है डाइट प्लान। ये देखो, जैसे ही डाइट प्लान आया मैंने वीडियो कर दी रेडी। इस बार वर्कआउट देखो किस तरीके से चलेगा, डे 1 डे 2 डे 3। अरे स्क्रीनशॉट मत ले लेना, ठीक है। और इधर डाइट की भी वीडियो आ चुकी है, सप्लीमेंट भी बता दिए नेचुरल कौन कौन से लेने हैं, इस बारे में अभी डाइट लेने के बाद बात करेंगे हम। देखो पहले से हमारे को बेहतर होना है। इधर हमारी आप कंडीशन देख सकते हो, बस यार दिमाग में रखना होता है कि हर दिन यार दबा के मेहनत करने, दबा के डाइट लेनी है, अलग ही मजा आता है। कोई भी वीडियो देख रहे हैं, हर किसी को बॉडी बनानी है और बॉडी उसी की बनेगी जो दबा के मेहनत करेगा। ये हमारी अभी की कंडीशन है विदाउट पंप और ये हमारी पहले की। यार हर किसी के पास एक अच्छा कोच नहीं होता, तो मैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ कि उनको सब कुछ समझ आ सके कि क्या डाइट लेने। और ये जो हमारी आज की डाइट होगी इसमें बढ़िया काफ, प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट सब कुछ मिल जाएगा। इस मेरा डे स्टार्ट होगा पहले एप्पल से, फिर खा लेते हैं, फिर आगे ही दिखाते हैं क्या लेंगे हम। और इधर उबल रहे हैं 4 अंडे, ये देखो जी चेक करो जी। ओए 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 ओए, भाई साहब में अगर ऐसा अंडा चाहिए तो शरीर में अंडा डालना पड़ेगा, मतलब मजाक सेट है। बढ़िया आपको प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी। और साथ में लेता हूँ 4 एग्स, इसमें से हमारे रहेंगे 3 एग वाइट्स और 1 रहेगा होल एग। हल्का सा डालेंगे इस पे चाट मसाला इस तरीके। चलो अब इसको करता हूँ एंजॉय और आप करो आगे की वीडियो एंजॉय। मील तो मजा आ जाएगा अगर आप इसको ट्राई करोगे। इधर ब्राउन ब्रेड पीनट बटर का जो टेस्ट आएगा, साथ में बनाना शेक और साथ में अपने खाओ अखरोट, ओए होए होए अलग ही मजा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा काम है आपको क्वालिटी बताना कि डाइट में क्या क्या क्वालिटी रख सकते हैं, क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है। आपकी भूख अच्छी है तो 2 इधर ले सकते हो, 2 ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, ज्यादा शेक पी सकते हो। आपका दिल है तो उसके अंदर पीनट बटर डाल दो, ओट्स डाल दो, बट मैं रिकमेंडेड ये करूँगा अपना 2 बनाना इसके अंदर डालिए जी, और अपना नॉर्मल बादाम डालिए इसके अंदर और अपना दूध डाल दिए, एकदम होगा लाइट शेक और बढ़िया का बढ़िया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की। गुरुजी ने देखो कौन कौन से सप्लीमेंट लिख के दिए, नेचुरल सप्लीमेंट है, बहुत मज़ा आ जाएगा अगर आप यूज़ करोगे तो। प्री वर्कआउट ले सकते हो, क्रिएटिन ले सकते हो, EAA या BCAA में से एक कोई भी ले लीजिए, आइसोलेट वे प्रोटीन, ट्रिबलस और ZMA और शिलाजीत, इन सबका मैं यूज़ बता देता हूँ। मैं वीडियो वो बनाता हूँ कि आपको पता लगे कि नेचुरल सप्लीमेंट इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं और इनका फ़ायदा क्या है। प्री वर्कआउट आपको वर्कआउट में देगा फोकस, अगर आपका दिल है तो लीजिए, नहीं दिल है तो मत लीजिए। क्रिएटिन का काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी गेनिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करता है, मसल साइज बढ़ाता है क्योंकि वाटर को होल्ड करता है मसल के अंदर, ठीक है। EAA या BCAA का काम है, गर्मी इतनी हो रखी है बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बढ़िया आपको अमीनो देता रहता है और मसल की काफ़ी रिकवरी होती है। आइसोलेट वे प्रोटीन का काम है, आपको पता है लीन मसल बिल्ड करेगा और मसल रिकवरी करेगा। अब बात करते हैं ट्रिबलस और ZMA की, जिंक मैग्नीशियम आपको इसके अंदर मिल जाता है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। शिलाजीत, इसके अंदर आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो यार ज़रूर इसको रख लेना। मैंने जो चीज़ें ले रहा हूँ वही आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और यार काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप जेन्युइन सप्लीमेंट किधर से मंगवाते हो, तो यार मैं 100% ट्रस्ट करता हूँ न्यूट्रावे पे यार, जहाँ आपको 100+ नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाते हैं ऑथराइज डीलरशिप एंड सर्टिफिकेट के साथ, 2 से 4 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। और तो और यहाँ पे बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और बढ़िया आपका फ्री बेस मिल जाएंगे। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो जाके एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ना जेन्युइन सप्लीमेंट मिले ना तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे 100% ट्रस्ट है, मैं काफ़ी टाइम से आपको पता है उधर से ही मंगवा रहा हूँ। तो मैं लिंक एक बार आप लोगों के लिए डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो जो आप सप्लीमेंट अपने स्टैक के अंदर ऐड करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है। अब लेते हैं हमारी लंच मील। हाँ जी गाइस, इधर लंच मील है, ये देखो जी, इधर रखा है हमने चिकन और इधर हमने रखे हैं वाइट राइस और इधर हमारा सैलेड। इसके अंदर मिलेगा फाइबर, इसके अंदर मिलेंगे कार्ब्स और इसमें मिलेगा प्रोटीन, ये तीनों आपकी गेनिंग के अंदर हेल्प करेंगे। अब मैंने बता दिया तो पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको भी डेली यही खाना है। आप दाल चावल खा सकते हो, रोटी और चिकन खा सकते हो, चिकन बिरयानी खा सकते हो, दाल सब्जी जो भी बनी है रोटी के साथ उसको भी खा सकते हो। तो आज मैं ये खा रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं डेली यही खाता हूँ, तो अपने हिसाब से भी कभी कभार डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप भी मील को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। अब जैसे मंगलवार है तो जय श्री राम, उस दिन हम खाते हैं अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो बना होता है वो खा लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ही बढ़िया गेनिंग में हेल्प करेगा। इधर है सबसे हैवी हमारी प्री वर्कआउट मील,
इस तरीके से डालेंगे थोड़ी सी केचप। इधर है हमारे थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन, आप देख सकते हो मज़ा आ जाएगा। और इधर है बॉयल्ड पोटैटो विद कर्ड, जो वर्कआउट के अंदर देगी बहुत अच्छी एनर्जी, बढ़िया हमारी गेनिंग में हेल्प करेगी और बढ़िया इसमें मिलेगा आपको प्रोटीन। ये देखो जी, आपको दिखा देता हूँ मैं, हमने लंच ले लिया था चिकन और राइस, जैसे गुरुजी ने इधर लिखे हुए आपको दिख रहा होगा। अब इधर लिखा हुआ है बॉइल्ड पोटैटो विद कर्ड, आप देख सकते हो, और सर ने लिखे हुए हैं एग वाइट। तो सर ऑप्शन भी दे देते हैं, अगर आपका एग वाइट खाने का दिल नहीं है तो चिकन खा सकते हो, बॉइल्ड चिकन खा सकते हो। तो ऐसे ही मैं भी आप लोगों को यही नॉलेज देता हूँ, प्रोटीन उससे ही मिलना है, उससे ही मिलना है। कोई भी अगर आपको डाइट बता रहा है, अगर आपको उसको ऑप्शन मिलता है तो आप रख सकते हो, मज़ा आएगा उसको उस चीज़ को करने में। ठीक है, 2 स्पून पीनट बटर वो बाद में हम ले लेंगे, बस हम इसको खा के आधा पौना घंटा पहले हमारे को प्री वर्कआउट मील लेनी होती है। फिर अपना जिम में जाने से पहले अपना प्री वर्कआउट वगैरह पीना है तो प्री वर्कआउट ले लेना, और इधर ये क्रिएटिन उसके अंदर ऐड कर लेना। ड्यूरिंग वर्कआउट लेंगे EAA, ये देखो जी चेक करिए जी, ड्यूरिंग वर्कआउट लेंगे EAA, अच्छे से आप देख सकते हो, BCAA EAA कुछ भी आप ले सकते हो। और आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप वे प्रोटीन। ठीक है, कुछ ही सप्लीमेंट मंगवाना है उसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस करते हैं मील को इंजॉय, और हो सकेगा तो आपको मिलेंगे शेरू क्लासिक के अंदर। और ये अगर आपने डाइट अगर अच्छे से फॉलो कर ली ना, 4 से 5 किलो वेट गेन हो जाएगा 2 से 2.5 महीने के अंदर। मिलते हैं शेरू क्लासिक के अंदर, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाऊंगा, अच्छा लगेगा। जो भी भाई मिलेंगे वहाँ पर फुल लाइन चलनी चाहिए, बॉडी दिनों में नहीं बनती, एक दिन ज़रूर बनती है। और जो हमारी तैयारी चल रही है रोड टू मसल मेनिया चल रही है, सो गाइस एक छोटा सा टिप है और बहुत ध्यान से इसको सुनिए, जब आप चिकन खा रहे हो तो अपना चिकन ना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा या एग्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके 15, 20 या 25 मिनट बाद अपना आलू दही खाना साथ साथ में खाओगे तो डाइजेशन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसको अपना बना के एक साथ में बना लो, इजी रहता है, जब भी रसोई में घुसते हैं तो एक बारी में काम कर दो, बढ़िया रहता है। ठीक है, आलू दही को अपना रख दो, 20-25 मिनट बाद आराम से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख दो, बना के ऐसे रखना ऐसे रख दो। ठीक है, अब इसको करता हूँ इंजॉय, सीधा मिलते हैं डिनर मील पर। हाँ जी गाइस, इधर है हमारी डिनर मील, आ जाओ जी। ये देखो जी, इधर रखी हमने 2 रोटियां, इधर है हमारे को जो दोपहर को चिकन की सब्जी, और इधर रखेंगे हम साथ में सैलेड। इसमें बढ़िया फाइबर और ये हमारी गेनिंग, और इसमें बढ़िया मिलेगा हमारे को प्रोटीन। आप रात को राइस रख सकते हो, कभी कभार मैं राइस लेता हूँ, कभी कभार रोटी ले लेता हूँ, जो मोम बनाते हैं वो खा लेते हैं, ज़्यादातर मैं राइस रखता हूँ। आज मेरा दिल था रोटी खाने का तो रोटी खाऊंगा। ठीक है जी, दोनों ही हमारी गेनिंग में हेल्प करेंगे, और सर दोनों ऑप्शन देते हैं कि आप राइस ले लीजिए या रोटी ले लीजिए, दोनों बेस्ट रहेंगे। और जब भी आपकी मोम सब्जी बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो दोपहर को जो बना रहे हो तो ज़्यादा बना लीजिए, जो आप रात को भी ले सकते हो। बार बार मोम को परेशान नहीं करना कि रात की अलग सब्जी बनाओ सुबह की अलग बनाओ। ठीक है, यही चिकन आपका दिन में भी चलेगा और यही आपका रात को भी चलेगा, इस तरीके से होगा। आपको बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, बढ़िया कार्ब्स मिलेगा दिन में, बढ़िया फाइबर मिलेगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट के अंदर जरूर बता देना। और इसको जो डाइट है आपने देखा है, बिगिनर भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और कोई कंपटीशन खेलना चाहता है वो भी फॉलो कर सकता है। क्यों? जो बिगिनर की होगी वो अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखेगा, कम रखेगा, वह डाइट यही सब रहेगी। और जो एथलीट है कंपटीशन खेलना चाहता है तो वो तो बस खाता रहे पूरा दिन, ये रोटी 3-4 रोटियां, चिकन सैलेड, ये वो, कभी शेक पी लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, मतलब इधर केले पड़े तो उठाया और खा लिए, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और रात को सोने से पहले एक गिलास आप दूध भी पी सकते हो, अगर उसको दूध को और हैवी करना है तो उसमें छोटे छोटे बादाम भी डाल सकते हो, उसको और हैवी करना है तो छुहारे डाल सकते हो। ये सब नॉलेज वीडियो खाली मेरे चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, मैं करता हूँ इसको एंजॉय, रोटी मेरी बचा रही सूख रही है। सो मैं खाली डाइट ही नहीं लेता रहता, अपने जिम में भी आता हूँ, ये मेरा जिम है आप देख सकते हो, सुबह शाम कभी आया इधर चक्कर लगाया, घर जाके डाइट ली। और मेरे जिम के अंदर फीस आप देख सकते हो महीने की 1200 चल रही है, 3 महीने की 2500, 6 महीने की 4500, ये बिल्कुल लिमिटेड ऑफर निकाला है मैंने अपने जिम के लिए कि हर कोई ज्वाइन कर सके, हर कोई बिगिनर आ सके। और आयरन का वेट भी है जिम के अंदर, गर्ल्स लेडीज सब आती हैं। अब करते हैं वीडियो को कम्प्लीट, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।